क्या पता क्या कारण होगा भाई। भाई दबाव होगा ना, जिस तरह से बिलों का समर्थन कर रहे, 13 महीने बाद में बिल खत्म हो गए, पार्लियामेंट से वापसी हो गए और उसके बाद में भी बिलों को बढ़िया बता रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो हिसाब लगता है हम उसमें। ना हमने तो नहीं, कौन से दल के लिए काम करा, ना हम तो नहीं करते किसी एक दल के लिए, हम तो सरकारों की जो पॉलिसी खराब पॉलिसी रहती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, किसी दल के लिए हम काम नहीं करते। चुनाव में कहीं वो किसी एक विशेष दल के लिए ना, हमने तो नहीं करा, कौन से दल के लिए बता रहे, जहाँ से टिकट मांग रहे थे टिकट नहीं मिला, 22 आदमी लाइन में थे टिकट के, भाई कहाँ कहाँ से दुआ था 22 को टिकट। टिकट साहब, इसमें आपके संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं दूसरे संगठन में, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या फर्क है? भाई चले जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग हमसे नाराज होंगे, किसी और उससे नाराज होंगे, तो चले जाएंगे। क्या आप उनको मनाने के लिए भी पहुँचे? हमने गए थे हम वहाँ पर, उनसे बातचीत हुई थी और भाई भी नहीं मानने, संगठन छोड़ने का दुख है आपको? हाँ दुख तो रहेगा। क्या कारण है जो मान नहीं पा रहे? अब क्या पता क्या कारण है किसी का, क्या पता भाई किसी के भीतर क्या बैठा, कुछ पता थोड़ा है, डर बैठ गया, भय बैठ गया, या आंदोलन करने की वो नहीं रही वो बैठ गया, क्या पता हो सके। जिस तरह सरकार जो गलत काम करने वाले लोगों को प्रेशर में ले रही, किसी के घर ढा रही, किसी को बुलडोजर, हाँ हो सके, क्या पता क्या हो सके। नहीं मारे वाले कार्यकर्ता हो तो खैर बुलडोजर से, तो उससे तो ये क्या कोई इनका कोई भट्टे लग रहे कि अब ये तो मिट्टी का खनन कर रहे, क्या पता क्या होगा। नहीं पर जो छोड़ कर चले गए कहीं के, अब कार्यकर्ता अपना अलग संगठन बन गया, अपना काम करो भाई। आज मीडिया पर चलेगा, कल सोशल मीडिया पर चलेगा, परसों अपना रूटीन में आ जाएंगे, वे 2 दिन तो भाई उछल कूद कर रही हैं सभी। अरे शुभकामनाएं, अपना काम करो भाई। ये भ्रामकता फैली हुई है कि निकाल दिया, अब पता नहीं भाई कैसे निकाल देगा कोई।